वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास टू लेके आया हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई ईएससी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो एनएलसी एनसीएल आरसीएफएल एसएससी जेई बेजग स्टील यूपीपीएससी एई स्टेट पीएससी एग्जाम जिसमें मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और पीडीएफ में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, यहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सूडो प्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियम फ्लूड फॉर विच। देखिए आप नॉन न्यूटोनियम फ्लूड और न्यूटोनियम फ्लूड में डिफरेंस क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि ठीक है, तो न्यूटोनियम फ्लूड क्या होता है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है। इसे मान लीजिए इस तरह हो गया, तो ये वाला क्या होता है, न्यूटोनियम फ्लूड होता है, स्ट्रेस लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, शियर स्ट्रेस हो गया, ये du/dy। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आप देखिए, आप मान लीजिए कि सीडो प्लास्टिक, तो सीडो प्लास्टिक का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सीडो प्लास्टिक का डायग्राम कैसे बनता है। देखिए तो सीडो प्लास्टिक में क्या होता है, डायलेटेंट होता है ना, तो डायलेटेंट का कर्व ऐसे बनता है, वही अगर सीडो प्लास्टिक का होता है ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, एन जो होता है, एन क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। इसमें क्या होता है, एन जो होता है लेस देन वन होता है जो, ठीक है, तो एन का वैल्यू इसमें ज्यादा होता है, एन का वैल्यू कम होता है। ठीक है, और एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्यूडो प्लास्टिक को बोलते हैं थिन फ्लूड, क्योंकि वह टाइम के साथ वो डिक्रीज करता है, ये कर्व जो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये कर्व डायलेटेंट का कर्व जो इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर इंक्रीजेज, डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज विद द टाइम फॉर द शियरिंग फोर्स। देखिए तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ शियर इंक्रीज के साथ, डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। सीडो प्लास्टिक में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि अपेरेंट विस्कोसिटी होता है, अपेरेंट विस्कोसिटी क्या होता है कि टाइम के साथ जो होता है अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, इसीलिए डायनेमिक विस्कोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है। लेकिन डायलेटेंट के केस में क्या होता है कि डायलेटेंट में क्या होता है कि डायलेटेंट में जो होता है अपेरेंट विस्कोसिटी वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है। तो अपेरेंट विस्कोसिटी का रिलेशन इस तरह का होता है, म्यू अपेरेंट, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि जैसे टाइम बढ़ेगा तो टाइम के साथ अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज करता है इन केस ऑफ डायलेटेंट, बट इन केस ऑफ सीडो प्लास्टिक अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। तो इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज ए रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेज, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक केस होता है, इसमें मान लीजिए कि यहाँ से होता है, तो इस तरह का भी केस होता है, ये होता है बिंगम प्लास्टिक, इसको बोलते हैं रियोपेक्टिक, इसको बोलते हैं थेक्सोट्रॉपिक। ठीक है, तो थेक्सोट्रॉपिक होता है, रियोपेक्टिक होता है, मतलब थोड़ा सा भी जीरो शेयर स्ट्रेस पे भी इसको कुछ फोर्स मिलता है, मतलब यहाँ तक जब रहता है। आइडियल बिंगम प्लास्टिक में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल बिंगम प्लास्टिक में क्या होता है, थोड़ा सा भी इसको शेयर स्ट्रेस मैंने जीरो स्ट्रेस नहीं होता है, कुछ स्ट्रेस पे भी उसको, जैसे मान लिया टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट को कुछ प्रेशर देना पड़ता है, मैंने कुछ इसको शेयर स्ट्रेस देना पड़ता है तभी वो निकलेगा। ठीक है, उसमें जीरो शेयर स्ट्रेस पे वो फॉलो नहीं करता, इसीलिए शेयर स्ट्रेस मतलब उसको कुछ शेयर स्ट्रेस देना पड़ेगा तभी आइडियल विंगम प्लास्टिक में। ये होता है थेक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्टिक, ये हो गया सीडो प्लास्टिक, ये हो गया डायलेटेंट, और ये हो गया न्यूटोनियम फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूटोनियम फ्लूइड में क्या होता है, लिनियर वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। इतने
आपको नॉलेज पता होना चाहिए, कोई किसी भी पॉइंट पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस जो होता है के इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, माइनस में। और ये माइनस साइन क्यों होता है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसीलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। तो इसमें रिलेशन डेंसिटी के टर्म में दिया है तो वॉल्यूम को पता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, और डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेंसिटी कांस्टेंट ले लिए तो डी वी, और प्लस वी कांस्टेंट लिए तो डी रो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, डी वी बाई वी नेगेटिव का डी रो बाई रो, इसका मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं तो के इक्वल टू हो जाएगा डी पी और डी रो बाई रो, तो यहाँ से रो ऊपर चला जाएगा और इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि रो डी पी बाई डी रो, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा टू का, आपका ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। तो ये बल्क मॉडुलस से दो रिलेशन है जो आपको याद रखना है, कि चेंज इन प्रेशर और डीबी के रिस्पेक्ट में, और प्रेशर और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये ईएस का क्वेश्चन है 1997 में, एसएससी जेई में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं जो भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ ये रिपीट भी हो सकता है, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन। तो देखिए आपको इसमें पता करना है कि हाइट क्या होगा, कैपिलरी राइज क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन फोर की सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। तो यहाँ पर एंगल क्या होता है, क्लीन ग्लास और वाटर के बीच में क्या होता है एंगल, जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री कॉस 0 मतलब 1 हो गया, अब 4 हो गया, अब सिग्मा का तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 20 डिग्री पे जो वाटर एयर का जो होता है उसमें थीटा ही सिग्मा का वैल्यू होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू, ये डाटा आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरफेस टेंशन का वैल्यू इतना होता है। तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे 0.0736, और कॉस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए 1000 होता है, और जी को हम 10 मान लेते हैं, और इधर डी का जो है 1 mm दिया है, तो 1 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 29.2 × 10⁻³ मीटर में आएगा, लेकिन हमको मीटर में ऑप्शन नहीं दिया, तो एम एम में करना है, तो 1 mm = 10⁻³ मीटर हो जाता है, ठीक है। 1 mm = 1000 × 10⁻³ mm होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एम एम में लिख सकते हैं, तो 30 mm आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एज ए विस्कोसिटी 0.28 स्टोक एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द विस्कोसिटी। तो आपको विस्कोसिटी पूछा है, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी पूछा है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है यही आपको पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है, इससे पहले भी बताया था। तो यहाँ से डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन डेंसिटी। अब डेंसिटी, डेंसिटी मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ, तो डेंसिटी कैसे निकालेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा, तो डेंसिटी आपका 900 हो गया, डेंसिटी आपका 900 हो गया। अब हमको क्या पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दिया हुआ है 0.28 स्टोक, और 0.28 स्टोक को अगर mm इसको हम CGS में दिया है, SI में कन्वर्ट करना है 10⁻⁴, तो आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका म्यू निकालना है, तो म्यू को क्या आता है, न्यू इंटू वेलोसिटी, तो न्यू को लिखेंगे 0.28 × 10⁻⁴, और डेंसिटी आपका 900 है, ठीक है, डेंसिटी आपका 900 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 252 × 10⁻⁴ आपका आएगा, -4, लेकिन तो आप इसको -4 लिखिएगा तो 4 के बाद पॉइंट -4 है, यानी कि 4 डेसिमल आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए भी उसी तरह दिया हुआ, बी भी दिया हुआ, सी भी दिया है, तो आपका ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में पूछे जाते हैं। एक तो स्ट्रोक हो गया और एक पॉइज, ये दोनों यूनिट आपको याद रखना है। दोनों का कन्वर्जन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसका मतलब क्या, सरफेस टेंशन जो होता है क्या था, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। सरफेस टेंशन जो होता है क्या, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। सरफेस टेंशन जो होता है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करता है। अब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज दिया है क्या, सरफेस टेंशन इंक्रीज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, तो इसका उल्टा करेंगे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे, सॉरी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर रहा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रहा, लेकिन अगर हम सरफेस टेंशन टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, और कोहेसिव फोर्स इंक्रीज करेगा तो कोहेसिव फोर्स जैसे इंक्रीज करेगा सरफेस टेंशन भी इंक्रीज करेगा। या मतलब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या होता है, केजी, यानी कि मास को केजी, मतलब केजी को हम एम से डायमेंशन फॉर्म लिखते हैं, एक्सीलरेशन को लिखते हैं एल टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फोर्स को लिखेंगे एम एल टी माइनस टू और इधर डिवाइड बाई एल, तो एल से एल से कैंसिल हो जाएगा, तो एम टी माइनस टू यानी कि एम जीरो एम वन एल जीरो टी माइनस टू, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप देखिए इसमें दिया है कि व्हेन द प्रेशर ऑन ए गिवन मास ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 3 मेगा पास्कल टू 2.5 मेगा पास्कल, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज फ्रॉम 500 टू 501, व्हाट इज द एवरेज बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। तो इससे पहले प्रेशर का चिन्ह दिया, तो आपको पता है इससे पहले हम डिस्कस किया कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, डी पी रो बाई डी रो। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, स्टार्टिंग डेंसिटी कितना है, 500, तो 500 डेंसिटी ले ली। अब क्या करेंगे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई चेंज इन डेंसिटी 500 माइनस 501, तो यहाँ से क्या हो गया, 500 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 250 मेगा पास्कल, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैं सब कंसेप्ट को बता दूंगा और आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अगर बाय मिस्टेक कहीं गलती हो जाता है तो आप उसको बता देंगे, फिर कमेंट कर देंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ वाटर हेड इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए कि पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, तो डेंसिटी वाटर के केस में डेंसिटी क्या होता है, 1000। ठीक है, अब मान लीजिए 9.8 लेके चलते हैं, मान लीजिए कि ठीक है 10 ही लेके चलते हैं या 9.8 लेके चलते हैं, 9.81 इंटू एच क्या है 25, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 245.2, इसका सॉल्व कीजिएगा तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब भी हमको प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच यूज कर सकते हैं। जब प्रेशर मेजरमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर करवा दूंगा, ये तो सिंपली क्वेश्चन है। अभी अगर आपको कॉलम रो का बारे में आएगा तो प्रेशर क्या हो रहा है, सब कुछ वेरी कैसे कर रहा है सब कुछ बता देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मर्करी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हाइट एच। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है, तो मान लीजिए कि दो डिफरेंस लेवल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, कॉलम को अगर दो लिक्विड लेवल है, लेवल वन लेवल टू, ठीक है, इसमें ऑयल भरा हुआ है
और इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरा है, तो दोनों को बैलेंस करना है। तो हाइट ऑफ मरकरी और डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑयल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, तो आपको निकालना क्या है कि क्या डिफरेंस होगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन हेड मेजर बाय मरकरी। तो क्या करेंगे, दोनों हाई दोनों कॉलम को, जो लिक्विड को कॉलम है उसको बैलेंस कर देंगे। तो हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी क्या है 0.2, दोनों का डिफ्लेक्शन हाइट 0.2, और डेंसिटी, डेंसिटी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या होता है 13.6, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑयल आपको निकालना, हाइट ऑफ ऑयल इतना इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.8, तो हाइट ऑफ ऑयल यहाँ से कितना आ जाएगा 3.40 मीटर ऑफ ऑयल, यानी कि हाइट ऑफ ऑयल जो होगा इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या तो हम डायग्राम को बना के प्रोसेस को, मतलब प्रेशर डिफरेंस, यानी कोई भी जहाँ पर इक्वल होगा वहाँ पर, इस पॉइंट पे मान लीजिए इधर कोई पाइप है इधर पाइप है, तो प्रेशर बैलेंस करके भी हम प्रेशर इक्वेशन से भी बना सकते हैं। प्रेशर लिख के मान लीजिए आप इस पॉइंट में प्रेशर पी है, तो यहाँ से डिफरेंस करें तो रो जी एच लगाएंगे, इस तरह करके इक्वेट करके बना सकते हैं। वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, तो आपको कॉलम को बैलेंस करके इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3.40 मीटर ऑफ ऑयल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्टेटिक लॉ ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ में क्या होता है कि आप इसको ड्राइव करेंगे तो आएगा क्या, डी डेल पी बाई डेल जेड इक्वल टू रोजी। रोजी को बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट होता है, रोजी क्या होता है स्पेसिफिक वेट। जैसे हम नीचे तरफ डेप्थ तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर का चेंज है इन रेस्पेक्ट में, वो इस तरह रिलेशन होता है। तो ये क्या करता है, स्पेशली क्या होता है कि जो प्रेशर इन हाइड्रोस्टेटिक लॉ यही बोलता है कि प्रेशर वेरीज विथ डेप्थ इन स्टैटिक फ्लूइड। जब फ्लूइड स्टैटिक में रहेगा तो प्रेशर जो होगा वो वेरी करेगा डेप्थ के साथ, यही आपका हाइड्रोस्टेटिक लॉ बताता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा जिसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये इसमें भी लिंक, पीडीएफ में भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहेगा, उससे भी आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पर डे करंट अफेयर का क्विज डालता हूँ 5 क्वेश्चन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में भी मैं क्विज कराता हूँ, जो पर डे मैं 3 से 4 क्विज अपलोड करता हूँ। वहाँ से आप स्टैटिक जीके या करंट अफेयर का क्विज डालते रहता हूँ, वहाँ से भी आपका जीके का तैयारी हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी मैं एक 5 क्वेश्चन का इमेज डालता हूँ, वहाँ से भी आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।